आज इतिहास उन्होंने दोहराया है, खामियाजा बेवजह देश के बेटों ने चुकाया है, लहू से सींच कर उस जमीन को आबाद रहने का पैगाम भिजवाया है। सच सच नमन है उन वीर और उनके परिवार को जिन्होंने अपने घर का चिराग गवाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सांगवान एक बार फिर ले आया हूँ आपके सामने आपके मन का सवाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुलवामा अटैक के बाद जितना गुस्सा मेरे अंदर है उतना ही गुस्सा हमारी भारतीय जनता के अंदर है। तो आइए जानते हैं पुलवामा अटैक के ऊपर जनता की प्रतिक्रिया क्या है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं पुलवामा अटैक जो हुआ है उसके ऊपर हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर क्या ऐसा कुछ परमानेंट सोल्यूशन क्या है जो हमें करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में दिखाया है ना, वैसे उसका जवाब देना चाहिए। वी शुड नॉट टॉलरेट दिस। अकॉर्डिंग टू यू कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और इस बार इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए हमें, और अचानक ही जैसे उस बार जवाब दिया था ना, वैसे इस बार भी जवाब देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पाकिस्तान को ही मिटा दो, मतलब हमारी 125 करोड़ जनता है, अगर एक एक पैर रखेगी फिर भी पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जो पुलवामा अटैक हुआ है जैसा कि आप जानते हैं उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या चाहोगे कि ऐसा क्या परमानेंट सोल्यूशन भारत करे? पुलवामा में अपना आपको बताओ तो एक बार अपन ने ऑलरेडी एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, ठीक है, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले अपने को सिंधु नदी जो है, ठीक है, उसका पानी रोक देना चाहिए, क्योंकि उसका पानी रोकने से ही और अपने वहाँ से जो अपना आयात निकास हो रहा है उसको रोक देना चाहिए, तो उसके अंदर से अपने को बेनिफिट रहेगा। बाकी तो ऐसे वो क्या बोलते हैं, कुत्ते की पूछ वाकई तो वाकई रहती है, ऐसे मतलब गुजराती लैंग्वेज है, तो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वही मतलब है। तो उसके अंदर उसको मतलब नहीं है, अगर आप कुछ भी कर लो उसके अंदर एक ही है, तो उसको जर से निकालो। अगर अपने आने वाली पीढ़ी वो पूछना चाहिए कि पाकिस्तान नक्शे में कहाँ था, ये एक चीज़ दिखना चाहिए। बाकी आप कुछ भी कर लो, सर्जिकल स्ट्राइक टू करो, थ्री करो, फोर करो, उसका कोई मतलब रहेगा वो नहीं। वही कुत्ते की दुम है जो सीधेंगे नहीं होने वाली। तो इस सर ने बहुत सही आंसर दिया है कि हमारे आने वाले बच्चे ये पूछें कि पाकिस्तान भी कोई था, जैसे डीमोनेटाइजेशन पे 500 का नोट भी था वैसे होना चाहिए कि पाकिस्तान भी कोई था। सर, जो पुलवामा अटैक हुआ है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचना है? सोचना ये है पाकिस्तान ख़त्म होना चाहिए। गवर्नमेंट को आर्मी को पूरी छूट दे देनी चाहिए, जिसको जो आर्मी को जो ठीक लगे, वो वर्ल्ड मैप होता है नक्शा, उसमें से पाकिस्तान का नाम ही हट जाना चाहिए। पाकिस्तान वालों को अभी है ना एक ही चीज़ दिखानी है उनको, हर देशों से उसका जो इनकम हो रही है ना, वो पहले उनकी इनकम तोड़ दो, यानी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जैसे उनका पैसा ही खत्म हो जाएगा ना, फिर ऑटोमेटिक वो लोग रास्ते पे आ जाएंगे। हम अगर झगड़ा कर करके हमारा भी उनका नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। एक तरफ से पहले उनको काटना हो तो ऐसे ही काटो कि वो हमेशा के लिए कट जाए, हर देशों से उनका नाता काट डालो। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान वाले हर साल एक एक सोच कर वो करते हैं, कि अपना सरकार को सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए। और दिखाओ, ऐसे ही पता चलेगा उनको। अब वो लोग रेडी है, सर्जिकल स्ट्राइक हमने एक बार की है तो दूसरी बार तो वो लोग जानते हैं कि भाई भारत आक्रोश में आके वापस करेगा, तो हम भी तैयार हैं उनका बदला लेने के लिए। अब उनका सॉल्यूशन ही सर है कि उनको धीरे धीरे से मानना है। हमने तय कर लेना कि उनको रिजल्ट कैसे, कि बच्चों का रिजल्ट एक साल में आता है, उसी तरह उनको तय करके रणनीति बना के फिर ख़त्म करना है धीरे धीरे। आर्थिक रूप से पहले ख़त्म करो, फिर हर देशों से उनका नाश्ता राता नीचता ख़त्म करते जाओ, फिर धीरे धीरे ऐसे ही उनको ख़त्म करना पड़ेगा। सर, आप क्या काम जॉब करते हो? मैं अभी आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, ये सर आर्मी से रिटायर्ड है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। सबसे पहले सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो पुलवामा अटैक हुआ है जो बहुत ही दुखद है हमारे लिए, जी, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या हमारी गवर्नमेंट को हमारी आर्मी को क्या करना चाहिए? देखो, गवर्नमेंट इसके लिए तुरंत कोई एक्शन नहीं लेगी, पर इसका बदले का बदला लेना ही लेना है। जो बदला लेना है वो थोड़े देर के बाद शांति होगी तभी बदला इसका लिया जाता है। ऐसे गर्मा गर्मी में हम बदला ले नहीं सकते, क्योंकि कुछ माहौल के बाद हम गर्मी में ले नहीं सकते, और उसके बाद जो बॉर्डर पे है वो अभी वो खुद ही अपनी जान बचाने के चक्कर में होंगे। मतलब वो रेडी रहेंगे इस चीज़ के लिए कि इंडिया बदला लेगा? बदला लेगा ये तो पक्का है, इंडिया छोड़ेगा नहीं इस चीज़ को, क्योंकि मैं उस एरिया में रह चुका हूँ और मैं वहाँ काबुल गली डावर इस चीज़ में काफ़ी घुमा हुआ है। अच्छा सर, तुरंत का तुरंत कोई एक्शन नहीं होगी, जैसा अभी बदला ये लोग चाह रहे हैं
बदला तो जरूर लेंगे, सरकार तो वही चाह ही रही है और हम भी चाहते हैं बदले का बदला हो गई, पर इसके बारे में सोच विचार करके ही बदला लिया जाता है। ये आर्मी के सर हैं, एक्स रिटायर्ड आर्मी है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि सबसे पहले तो पानी रोक दीजिए जिससे आधा काम उनका ख़त्म हो जाएगा, दूसरी बात उनको मोदी गवर्नमेंट ज़रूर लेगी इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा टाइम रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, यही कहना है सर आपका। हाँ जी, थैंक यू सर।